देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, वहीं पिछले 24 घंटों में एक्टिव मरीजों की संख्या 2379 के पार। प्लास्टिक बैन होने के बाद रोजमर्रा के सामान बनाने वाली कंपनियों ने उठाया बड़ा कदम, वहीं अमूल और मदर डेयरी जैसी कंपनियां कागज टटा का करेंगी इस्तेमाल। देश के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी, वहीं महाराष्ट्र और राजस्थान में जुलाई के पहले दिन जमकर बरसे बादल। केरल के कल्लामवलम में दिल दहलाने वाली खबर आई सामने, एक परिवार के 5 लोगों का मिला शव, घटना से पूरे इलाके में सनसनी। इजराइल के 14वें प्रधानमंत्री बने येर लैपिड, वहीं बताया जा रहा है मात्र 5 माह का होगा येर का कार्यकाल। उपराष्ट्रपति पद के लिए सूत्रों के हवाले से आ रही खबर, एनडीए की तरफ से उम्मीदवार हो सकते हैं अमरिंदर सिंह। यूपी के लखनऊ में कमलेश तिवारी की पत्नी को मिला धमकी भरा पत्र, वहीं धमकी मिलने के बाद बढ़ाई गई सुरक्षा। उदयपुर में मारे गए कन्हैया लाल के परिजनों से मिलने पहुंचे बीजेपी नेता कपिल मिश्रा, वहीं कपिल मिश्रा ने कन्हैया को हिंदू समाज का कर्जदार बताया। उदयपुर हत्याकांड के मुख्य आरोपी मोहम्मद रियाज अतारी का राजनीतिक कनेक्शन आया सामने, एक तस्वीर में वो भाजपा के कद्दावर नेता गुलाब चंद कटारिया के साथ आ रहे नजर। 25 जुलाई से मौजूदा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का नया ठिकाना कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी के बंगले के करीब होगा, सूत्रों के हवाले से आई खबर, सोनिया गांधी के पड़ोसी होंगे राष्ट्रपति।